जिला कांगड़ा के नूरपुर की डन्नी पंचायत में भारी भूस्खलन होने से कई घर खतरे की जप में आ गए हैं। भूस्खलन से जब्बर खड़ अवरुद्ध हो गई है, जिस कारण वहां करीब 1 किलोमीटर लंबा व करीब 30 फुट गहरा बांध बनाया गया है। लदौड़ी पंचायत के प्रधान सुरेंद्र पठानिया व स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी विधायक राकेश पठानिया को दी। विधायक ने प्रशासन को तुरंत मौके पर जाके स्थिति संभालने के आदेश दिए। भूस्खलन से कई मकान खतरे की चपेट में आ गए हैं। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट चुके हैं। NRDF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन द्वारा भूस्खलन के कारण जो मकान खतरे की चपेट में हैं, उन्हें खाली करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में SDM सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि वह स्वयं मौके पर मौजूद हैं व SDRF की टीम हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। नूरपुर प्रशासन द्वारा खतरे को देखते हुए खंडेतर गांव के 3 घरों को खाली करवाकर इन परिवारों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी भूस्खलन जारी है तथा भूस्खलन के कारण जो 1 किलोमीटर लंबा डैम बन गया है, उसे टूटने से भारी नुकसान हो सकता है। नूरपुर प्रशासन द्वारा उनके खान पान और रहने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। सर, ये जो इतनी भारी स्लाइडिंग हुई है, अभी तक किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार की प्रिकॉशन है? ग्राम पंचायत डली में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है। सामने आप देख रहे हैं, छोटी धार है, छोटी धार जो है पूरी तरह से स्लाइड कर गई है और स्लाइड करने से जो है ये हमारी जबर खड और साथ में रूम खड, दोनों खड्डों को जो है कन्फ्लुएंस पॉइंट पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने से जो है ब्लॉकेट का लगभग 1,10,000 मीट्रिक टन के आसपास का बड़ा ब्लॉकेट था, जिसने पानी को जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और 1 किलोमीटर लंबी एक लेक का निर्माण हो गया, जो कि कल जो है लगभग 70 फीट के आसपास गहरी हो गई थी। चौड़ाई इसकी लगभग 100 फीट से ज़्यादा थी। आज सुबह ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।